नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम लाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग फिटर ट्रेड से संबंधित लगभग 50 से प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा इसी सीरीज आगे बढ़ाते बढ़ाते हुए आज हम लोग 9 सीरीज पर पहुंच चुके हैं, जो कि आने वाला सभी प्रकार परीक्षा की उपज साबित हो सकता है जिनमें से फिटर ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम लोग शीट मेटल्स वार्स में इंक्लूड किए हैं, सारी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आगे आने वाला एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि फिटर ट्रेड से बिलोंग कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूं जो कि शीट मेटल वार का ऐसा सब्जेक्ट है जो जिनमें से हमारा लगभग 100 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। पार्ट वन में ये हमारा पार्ट वन है, जो शीट मेटल पॉइंट ऑफ व्यू से शीट मेटल पार्ट वन में हम लोग पूरी की पूरी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। बाद में हमारा पार्ट टू लेकर आएंगे 10 सेक्शन पर, वहाँ पर भी हम लोग शीट मेटल का और जो कि बच गई जो कि 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेंगी, इसीलिए 100 क्वेश्चन हम लोग लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी ताकि स्टूडेंट को दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग 50 लेकर पार्ट करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करना और आप दोस्तों के शेयर करना। जो भी स्टूडेंट इसको देख रही है, मेरे हिसाब से आप एक एक करके लाइक कीजिए। हमारा जो टारगेट है, आप इतना नहीं, हमारे पास सिर्फ 10 टारगेट चाहिए लाइक करना, ठीक है। जैसा कि हम लोग आपको 10 टारगेट को लाइक पूरी हो जाएगी, मेरे लगेगा तो मेरा मेहनत को कोई बंदा देख रहे हैं। या तो फ्रेंड्स, और ज़्यादा भी ज़्यादा ऐसी टाइप का वीडियो है और जीके का वीडियो है, जीके आने वाला है, सारी की सारी एक स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोवाइड करने का क्षमता में रख सकूँ, ताकि आपको 10 लाइक चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़ा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे कि हम लोग ऐसी टाइप का वीडियो या तो स्टडी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि फास्ट नोटिफिकेशन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ताकि इसको आप लोग ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे, आप लोग देखते जाएंगे, ठीक है। जो ये हमारा 9 सीरीज है, हमारा जो कि पहला जो कि सीरीज आप लोग नहीं देखा तो मेरा प्लेलिस्ट पर जाइए, उसमें भी अवेलेबल है, या तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारा न्यू वेबसाइट अभी लॉन्च हो चुका है, हमारा न्यू वेबसाइट का लिंक है www.examline.in, सर्च कर कीजिए, आप लोग को मिल सके जो कि स्टडी रिलेटेड जितने भी सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल सके। देखिए इसका सीरीज आगे हम लोग बढ़ाएंगे इसी तरफ से, देखिए ये सीरीज हमारा जो कि सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 3, सेमिस्टर 4 जाके जाएंगी, जितने भी हमारा टॉपिक है उसका सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग इसी चैनल पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग पूरा ठान लीजिए जो कि हमारा ये सीरीज आगे की आगे हम लोग बढ़ाएंगे। आप इसको पहली बार देख रहे हो तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए हम लोग बिना देर मत कीजिए, देखिए हमारा जो क्वेश्चन का एमसीक्यू क्या बनते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन आपका सामने में दे रखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेक इज यूज व्हेन शेपिंग एंड सेमिंग फनल एंड टैपर्स आर्टिकल। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारा देखिए जो स्टैक, पहले हमारा स्टैक जानना हो जो बहुत जरूरी है। स्टैक किसको बोलते हैं? स्टैक हमारा जो कि सपोर्टिंग टूल होता है, जो कि शेपिंग एंड सेमिंग के लिए हमारा जो सपोर्टिंग टूल होते हैं इसको बोलते हैं स्टैक। देखिए जो सपोर्टिंग टूल हमारा है, जो शेपिंग एंड सेमिंग के लिए किस टाइप का स्टैक को हम लोग यूज करेंगे, ये बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर, फनल स्टैक। पूरा ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टैक प्रोवाइड्स ए डबल एंडेड सपोर्ट। देखिए जो कि हमारा स्टैक है, ये स्टैक मतलब है सपोर्टिंग टूल है जो डबल एंड, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हॉर्स स्टैक, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा सही आंसर। चले देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, द लीस्ट बेंड रेडियस फॉर बेंडिंग सीट है या तो प्लेट है, वेरियस डिपेंडिंग ऑन द डैश, इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आप लोग देखिए ये जो मेटेरियल एंड थिकनेस प्लेट, डिरेक्शन ऑफ प्लेट, वर्किंग टेम्परेचर, ये तीनों की तीनों सारी की सारी डिपेंडिंग करेंगे जो सीट एंड प्लेट का बेंड करने के लिए, जो रेडियस बेंड करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ हम्स एंड सिम्स फ्रॉम द सीट मेटल ऑफ थिकनेस लेस देन 0.4 mm द अलार्म शुड बी डैश।
देखिए इसका जो आलांश होते हैं ये देखिए नो आलांश, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ हेम इन सोन फिगर। देखिए ये फिगर में जो दे रखा है इसको बोलते हैं हम, कैसा हम है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर जो कि डबल हम। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज निकल गया सारी की सारी हम लोग पूरी पूरी डिस्कशन कर लेंगे। जो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीट, जितने भी चार ऑप्शन में जो जितने भी सीट दे रखा है वहाँ पे यूजिंग ऑफ मेकिंग हाईली कोरोसिव एसिड टैंक, जो एसिड टैंक के लिए हम लोग किसी सीट को हम लोग लेते हैं। देखिए एसिड के लिए हम लोग सिर्फ लीड टैंक को लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। बात क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ स्पेशल नॉट इज सोन फिगर। देखिए ये जो हमारा स्पेशल नॉट है इसको किस नॉट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर स्पीड नॉट। आप इसको ध्यान से देखिए, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। चले देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ ए सीट मेटल वेरी डिपेंडिंग ऑन द रोलिंग डिरेक्शन ऑफ द सीट इज कॉल्ड डैश। देखिए जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर डायरेक्शनलिटी। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द स्टेक इज यूज टू मेक ए शार्प बेंड एंड फोल्डिंग स्ट्रेट एज ऑफ द सीट मेटल। कौन सा स्टैक में हम लोग बेंड करेंगे फोल्डिंग करेंगे स्ट्रेट एज को, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर हैचेट मेटल, सॉरी हैचेट स्टैक, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जो दसवां क्वेश्चन है हमारे पास द मोस्ट सुइटेबल टूल फॉर करेक्ट फोल्डिंग ऑफ सीट मेटल एट 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का सीट मेटल को हम लोग क्या कहते हैं एंगल आयरन। ठीक है जो सुइटेबल टूल होता है जो करेक्ट, जो हमारा 90 डिग्री सीट मेटल को फोल्डिंग करेंगे किससे फोल्डिंग करेंगे, ये एंगल आयरन से फोल्डिंग करेंगे तो सुइटेबल रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टैक इज ए डैश, जो स्टैक हम मैं पहले कह चुकी हूँ स्टैक इज ए सपोर्टिंग टूल, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। वहाँ पे हमारा कुछ नहीं है। ठीक है देखिए ये पूरा इजी सवाल था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीट मेटल वर्क इज कैरिड आउट ओनली ऑन द मेटल सीट व्हिच आर डैश। देखिए जो कि जितने भी मेटल को हम लोग कैसे कैरिड करते हैं और कैसे ऐसे स्थान पर दूसरे स्थान को लेकर जाते हैं ये रोल करने के बाद, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर। देखिए पूरा ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए जो 13 नंबर का क्वेश्चन बेंट स्निप इज यूज फॉर डैश, जो ये बेंट स्निप होता है ये किससे यूज करेंगे और कौन सा कारण में हम लोग यूज करेंगे, ये सीट मेटल को कटिंग करने के लिए यूज करेंगे सिर्फ कर्व लाइन कटिंग के लिए। देखिए वहां पे एक सीट मेटल है, वहां पे एक सीट मेटल है, ये जो कर्व लाइन हम लोग कटिंग करेंगे इस कौन सा स्निप में कटिंग करेंगे बेंट स्निप, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सामने में मैलेट इज मेड ऑफ डैश। देखिए पहले मैलेट क्या है, मैलेट एक हैमर टाइप का होता है, ये जो बोलते बनते हैं वुड से, जो हार्ड वुड से बनते हैं मैलेट, ये किसके किस टाइप में किस वर्क में यूज करते हैं हमारे, ये हाँ हमारा सीट मेटल वर्क के लिए हम लोग यूज करेंगे हार्ड वुड, मैलेट बनते हैं हार्ड वुड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लग रहा है क्योंकि ज्यादा बार क्वेश्चन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग जॉइंट इज सुइटेबल फॉर अ रूफिंग वर्क, जो जॉइंट होता है हमारा लैप जॉइंट बॉट जॉइंट हिंग जॉइंट डबल ग्रोव सिम जॉइंट, ये जो चार ऑप्शन में कैसा जॉइंट रूफिंग वर्क के लिए सुइटेबल होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर डबल ग्रोव्ड सेम जॉइंट। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीट मेटल वर्क, जितने भी आईटीआई फिटर ट्रेड से बिलोंग कर रहे हैं आप लोग को मालूम होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट पे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू सीट इज कॉल्ड डैश, जो इसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। देखिए मैलेबिलिटी क्या है, देखिए हमारा जो कि मेटल का टू टाइप का प्रॉपर्टी होता है, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी एक केमिकल प्रॉपर्टी, ये मैकेनिकल का अंडर आते हैं मैलेबिलिटी डक्टिलिटी हार्डनेस टॉगनेस ये जितने भी है ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉप सेप्ट
पार्ट फ्रॉम फ्लैट शीट मेटल ब्लैंक बाय वेल्डिंग एंड प्लास्टिंग फ्लो ऑफ मेटल इज नोन एज डैश। इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी ड्रॉइंग। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑपरेशन ऑफ स्टेटिंग कर्व ए शीट मेटल वर्क इज नोन एज डैश। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेनिशिंग। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर। पूरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखेंगे द ऑपरेशन ऑफ बेंडिंग ए शीट मेटल ऑफ एलोंग ए कर्व एक्सिस इज डैश। इसको बोलते हैं फॉर्मिंग। ठीक है, ये तीनों तीनों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसको बोलते हैं ड्रॉइंग, और किसको बोलते हैं प्लेनिशिंग, और किसको बोलते हैं फॉर्मिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम लोग पूरी की पूरी ये तीनों को चर्चा कर लेते हैं। जो फ्लैट शीट मेटल होते हैं इसको बेंडिंग एंड प्लास्टिंग फ्लो ऑफ मेटल करने के लिए इसको बोलते हैं क्या, ड्रॉइंग। ठीक है, उसका बाद देखिए जो कर्व्ड शीट मेटल को शीट स्ट्रेट करने के लिए, जो कर्व शीट मेटल को स्ट्रेट हम लोग करेंगे, इसको जो ऑपरेशन को हम लोग क्या करेंगे, प्लेनिशिंग। ठीक है, जो हमारा कर्व था ऐसा टाइप का जो कर्व था इसको हम लोग स्ट्रेट करेंगे या प्लेन करेंगे, प्लेन से बनते हैं प्लेनिशिंग। इसको इसी तरफ से याद करके जाइए। ऑपरेशन ऑफ बेंडिंग शीट मेटल एलोंग द कर्व एक्सिस। देखिए वहाँ पे जो ये इतना ही बेंडिंग है इसको हम लोग कर्व करेंगे, ऐसी टाइप का बनेंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें था इसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसमें था इसी फॉर्म में आ गया। देखिए इसे फॉर्म में क्या होता है, फॉर्मिंग। ठीक है, ऐसी टाइप आप लोग याद करके जाइए। देखिए चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका सामने में, कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन ए सिंगल ऑपरेशन। देखिए ये दोनों ऑपरेशन में किसको बोलते हैं, कटिंग करने के लिए और फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए, पूरी की पूरी सिंगल ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन डाई। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। ठीक, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है ब्लो हॉर्न स्टैग। बहुत सारा स्टैग है, आप प्रैक्टिकल कर सके तो आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, जो हमारा जो स्टैग होता है ब्लो हॉर्न स्टैग को हम लोग टू साइज में डिवाइड करेंगे, जो टू साइज होते हैं राउंड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लीनिंग द क्लियरेंस इज प्रोवाइड ऑफ डैश। जो हमारा ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए द क्लियरेंस कैसे हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, ये पॉन से करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, नोच नोचिंग इज ए ऑपरेशन ऑफ डैश। जो नोच बोलते हैं नोचिंग करने के, इसको जो ऑपरेशन को क्या कहते हैं, ये ऑपरेशन होता है रिमूवल ऑफ मेटल टू द डिजायर शेप फ्रॉम एज ऑफ ए प्लेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रेसिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ कटिंग। इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, ए होल इन ए शीट मेटल बाय पंच एंड डाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट देख, द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए सिलिंडरिकल होल इन ए शीट मेटल बाय द पंच एंड द डाई इज कॉल्ड प्रेसिंग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के पढ़िए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए शीट ऑफ मेटल इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग द लेंथ इज नोन एज डैश। देखिए जो कटिंग शीट मेटल को हम लोग स्ट्रेट लाइन करेंगे, ये जो ऑपरेशन को हम लोग क्या करेंगे, स्लाइटिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर। ठीक है, बाद में पता चल जाएगा ये क्या होगा। ठीक है, फॉर्मिंग हम लोग कैसे यूज करेंगे, एसी फॉर्म में था हम लोग कर्व करेंगे, एसी फॉर्म को लेकर जाएंगे, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग। ठीक है, उसका बाद देखेंगे द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ऑफ ए फ्लैट शीट टू ए द डिजायर शेप इज कॉल्ड डैश। इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी ब्लैंकिंग। चले देखेंगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, द थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज इंडिकेटेड बाय ए सीरीज नंबर ऑफ व्हिच इज कॉल्ड डैश। इसको बोलते हैं गेज। ठीक है, जो शीट मेटल को इंडिकेट करने के लिए एक नंबर होता है इसको बोलते हैं गेज। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका सामने में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पज फॉर यूजिंग हैंड ग्रोवर इन शीट मेटल वर्कर। ठीक है, जो हैंड ग्रोवर शीट मेटल वर्क को हम लोग किससे यूज करेंगे और किस लिए यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर, टू लॉक द ग्रोव सीम।
जो सिम जॉइंट होते हैं इसको हम लोग लॉक करने के लिए, ग्रोव लॉक करने के लिए हम लोग हैंड ग्रोवर को यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जो कॉपर एंड ब्रास सीट आर डैश, ये जो कॉपर एंड ब्रास ये दोनों का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है सही आंसर, मैलिबिली एंड डक्टिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसको आप लोग जरूर ध्यान दे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सॉफ्ट क्लैंप आर यूज्ड फॉर क्लैंपिंग सीट मेटल इन बेंच वाइस बिकॉज दे प्रिवेंट आइडेंटिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर फ्लैटनिंग द मेटल अराउंड पंच्ड होल। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए बॉल पिन हैमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सामने में, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन व्हिच द एंड ऑफ सीट इज प्लेस्ड ओवर द एंड ऑफ अनदर सीट एंड जॉइंट टुगेदर, इसको बोलते हैं लैप जॉइंट। ठीक है, देखिए वहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक लैप जॉइंट एक बॉट जॉइंट। आपको इसमें हम लोग क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, लैप जॉइंट क्या है और बॉट जॉइंट क्या है। देखिए जो लैप जॉइंट है ये ओवर द मेटल है, देखिए ये एक मेटल है उसका जो कि ओवर में आएगा, देखिए ये एक मेटल है ये उसका इतना ही इतना ओवर आएगा, इसको बोलते हैं लैप जॉइंट। ठीक है, उसका बाद देखेंगे जो बॉट जॉइंट होता है ये ऐसी टाइप का होता है, ये एक मेटल है इसी की पूरी जो हॉराइजेंटल में पूरी की पूरी लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉट जॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच हैमर यूज फॉर सीट मेटल वर्क। मैं पहले कह चुकी हूँ सीट मेटल वर्क के लिए हम लोग किस हैमर को यूज करेंगे, सॉफ्ट हैमर में को यूज करेंगे। ठीक है, सॉफ्ट हैमर कैसे बनते हैं, ये बनते हैं वुड से। ठीक है, वुड से हमारा जो सॉफ्ट हैमर बनते हैं हार्ड वुड से, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में, द टाइप ऑफ ब्रश यूज्ड टू रिमूव कोर रस्ट इन शीट मेटल बिफोर पेंटिंग। ठीक है, वहां पे देखिए जो पेंटिंग करने से पहले हम लोग जो रस्ट निकालेंगे ये जो रस्ट निकालने के क्या हम लोग यूज करेंगे, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी ओयर ब्रश। ठीक है, हम लोग ओयर ब्रश पहले लगाएंगे, ओयर ब्रश से हमारा रस्ट निकल कर आएगा, उसका बाद फिनिशिंग होगा, फिनिशिंग होने का बाद हमारा पेंटिंग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो गया ओयर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैग इन शीट मेटल वर्क। देखिए जो स्टैग यानी सपोर्टिंग टूल होता है ज्यादा कॉमनली किस स्टैग को हम लोग यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर, ब्रिक आयरन स्टैग, ब्रिक आयरन स्टैग ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। ठीक है, चले देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, ए स्टैम्पिंग प्रोसेस द प्रोड्यूस ए शैलो रिलीफ डिजाइन ऑन शीट मेटल, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी एम्बोजिंग। ठीक है, जिसको एम्बोसिंग भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में, द प्रोसेस बाय व्हिच द एज ऑफ शीट आर मेड स्ट्रॉन्गर एंड रिजिड, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर, एज स्टीपनिंग हो गया सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, मेंटेन द टाइप ऑफ स्टैग जॉइंट इन व्हिच अल्टरनेटिव क्लिप आर फोल्डेड इन अपोजिट डिरेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं जिगजैग स्टैग जॉइंट, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच टाइप ऑफ सिम कैन बी यूज्ड टू जॉइन ए कोलर टू ए फ्लैंग विदाउट यूजिंग शोल्डर और स्क्रू और रिबिट, इसको बोलते हैं डोबटेल सिम, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दे रखा है, द टाइप्स ऑफ स्निप यूज्ड फॉर ट्रिमिंग सिलिंडरिकल और कोनिकल वाफ शीट मेटल, इसको बोलते हैं बेंड स्निप, इसको बोलते हैं बेंड स्निप, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। देखिए हमारा जो सिलिंडरिकल या कोनिकल, जैसे कि हम लोग शीट मेटल को काटेंगे बेंड स्निप से हम लोग काटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाउ विल यू स्पेसिफाई द होल्डिंग फोल्डिंग मशीन। ठीक है, फोल्डिंग मशीन को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे, देखिए उसका जो मैक्सिमम लेंथ एंड थिकनेस ऑफ सीट, ये दोनों पर हम लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर।
देखिए जो लेंथ एंड थिकनेस, लेंथ एंड थिकनेस, मैक्सिमम लेंथ एंड थिकनेस। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में, बेंडिंग अलाउंस इन प्रोपोर्शनल टू द डैश थिकनेस ऑफ मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर। ठीक है, जितना ज़्यादा थिकनेस होगा इतना ज़्यादा बेंडिंग करने का हमारा फोर्स लगेगा, और जितना कम थिकनेस होगा इतना इजी से हमारा बेंडिंग हो गया। इसका जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इसका जो प्रोपोर्शनल कैसे बनता है, थिकनेस मटेरियल से। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने में, शेयर्स आर यूज टू कट। देखिए जो शेयर होते हैं ना, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। देखिए हमारा जो शीट मेटल को काटने के लिए एक स्निप यूज करेंगे, एक शेयर यूज करेंगे। हमारा जो शेयर यूज करेंगे ये ऐसे कि हमारा जो कि थिक शीट यानी मोटाई शीट को हम लोग यूज काटने के यूज करेंगे। ठीक है, देखिए जितने भी ज़्यादा मोटाई होगा हमारा शीट मेटल, इसको हम लोग स्निप से नहीं काटेंगे, इसको हम लोग शेयर से कटने का यूज करेंगे। शेयर से काटेंगे यानी शेयर से हम लोग काटेंगे, कटने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, इट इज यूज टू ड्रॉ लॉन्ग आर्क एंड सर्कल, इज ऑल्सो कॉल्ड बीम कंपास। देखिए हमारा जो आर्क एंड सर्कल बनाने के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे, या तो कंपास को यूज कर सकते हैं, आर्क को यूज कर सकते हैं, पॉइंटर को भी यूज कर सकते हैं, एंड ट्रामेल को भी यूज कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे दे रखा है लॉन्ग आर्क। ठीक है, देखिए हमारा जो कि स्क्राइबर है या तो कंपास है, ये दोनों का कुछ ना कुछ हमारा जो कि लेंथ होगा, स्पेसिफिक लेंथ होगा। ठीक है, उसका दे रखा है जो कि लॉन्ग, हमारा जो लॉन्ग करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ट्रामेल को यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिए, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हैंड हेल्प पंच इज यूज टू मार्क पॉइंट लेइंग आउट पार्टनर्स ऑन शीट मेटल। देखिए जो शीट मेटल को हम लोग, देखिए वहाँ पे क्या दे रखा है, मार्क के लिए हम लोग, जो मार्क के लिए हम लोग किस पंच को यूज करेंगे ये पहले आप लोग देखिए। इसको हम लोग यूज करेंगे प्रिक पंच। ठीक है, वहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रिक पंच का कितना डिग्री होता है, ये होता है 30 डिग्री। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान दें, जो सेंटर पंच होता है ना, ये सेंटर पंच हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान से देखिए। मेरा जो कि पहला टॉपिक आप लोग नहीं देख, वहाँ पे हमारा हैंड टूल से एक चैप्टर है, वहाँ सारी की सारी हम लोग इसका जो MCQ में मैं कह चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा, 46 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, यूज फॉर ग्रोविंग ए सीम एंड हैंड कॉम टू वेरियस साइज व्हाटी टूल। देखिए इसको बोलते हैं हैंड ग्रोवर, जो कि हमारा सेम को लॉक करने के लिए, हैंड ग्रोव को हम लोग को लॉक करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो नोट दे रखा है, देखिए फॉलोइंग व्हिच टाइप ऑफ, देखिए ये पी लग गया, इसको आप लोग ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, नोच इज इन शोन इन फिगर। देखिए जितने भी जो नोच दे रखा है, ये जो नोच में ये क्या नोच होता है, देखिए वहाँ पे सारी की सारी नोच का दे रखा है, चार नोच दे रखा है, जो स्ट्रेट नोच, वी नोच, स्क्वायर नोच, स्लैंट नोच। देखिए वहाँ पे जो दे रखा है ये स्ट्रेट नोच, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। इसको बोलते हैं स्ट्रेट नोच। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रीजन फॉर यूजिंग एल्युमिनियम शीट। इसका जो प्रॉपर्टी है लाइटनेस, जो कि हल्का है, इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम शीट को हम लोग लेते हैं यूज करने के लिए, कॉमन यूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नोच इज यूज व्हेन मेकिंग जॉब 90 डिग्री बेंड। देखिए जो 90 डिग्री बेंड होता है, कैसे नोच को हम लोग लेते हैं, वी नोच। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा शीट मेटल चैप्टर से लगभग 50 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारा चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी टाइप का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँगा, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब कर जाइए। मेरा भी ऑफिशियल वेबसाइट लिंक का अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज ही इतना, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।